नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर महिलाओं को समय पर लेबर पेन क्यों नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं का कमेंट आता है मेरे पास कि मैम हमें लेबर पेन नहीं आ रहा है, हमें लेबर पेन नहीं आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्रेगनेंसी का ये सप्ताह चल रहा है, ये वीक चल रहा है, हमारा ड्यू डेट खत्म होने वाला है या फिर हमारा ड्यू डेट आने वाला है लेकिन हमें लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि लेबर पेन क्यों नहीं आता है और इसमें आपकी क्या गलतियां होती हैं, आप कैसे सुधार सकते हो और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। तो आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको लेबर पेन कब नहीं आता है, तो आपको चिंतित होना है, क्योंकि अगर किसी महिला का अगर 9वां महीना स्टार्ट हुआ है तो उसी समय से ही हल्ला नहीं मचाना कि मुझे लेबर पेन नहीं आ रहा। लेबर पेन लाने के लिए आपको 40 वीक तक वेट करना होगा, यानी कि 40वें सप्ताह तक वेट करना होगा, ड्यू डेट तक वेट करना होगा। अगर आपको 40वें सप्ताह तक भी, ड्यू डेट तक भी लेबर पेन नहीं आता है तो आपको चिंतित होना है, उससे पहले आपको चिंतित नहीं होना। तो अब जान लेते हैं कि अगर आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, सबसे पहला कारण होता है आपकी पहली प्रेगनेंसी। अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि पहली प्रेगनेंसी में बच्चे देरी से पैदा होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि लड़कियां लेट पैदा होती हैं, लड़के जल्दी पैदा हो जाते हैं, लेकिन ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो हो सकता है कि आपका बच्चा देरी से पैदा हो, आपको देरी से लेबर पेन आए, ठीक है, तो चिंता मत कीजिए। और अगर आपकी ये सेकंड प्रेगनेंसी है और आपको अभी भी लेबर पेन नहीं आ रहा तो इसके पीछे कारण हो सकता है अगर आपकी पहली डिलीवरी जल्दी हो गई हो, यानी कि आपको प्री मैच्योर बेबी पैदा हुआ हो, आपको समय से पहले डिलीवरी हो गया हो, यानी कि 37वें सप्ताह से पहले ही आपकी डिलीवरी हो गई हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको दूसरी बार लेबर पेन नहीं आता है। जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन बहुत सा महिलाओं के साथ ऐसा देखा गया है अगर पहली डिलीवरी जल्दी हो जाती है, समय से पहले हो जाती है, तो सेकंड डिलीवरी में लेबर पेन भी देरी से आता है या फिर नहीं आता है। इसके बाद तीसरा कारण हो सकता है आपका तनाव लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं तो इस वजह से भी आपको कई बार लेबर पेन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि तनाव लेने से आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं जो कि आपके बच्चे के लिए खतरनाक होते हैं, आपके लिए खतरनाक होते हैं। और लेबर पेन लाने के लिए जो हार्मोन्स होता है ना, वो हार्मोन्स उत्पन्न ही नहीं होता है। जब हार्मोन्स ही नहीं बनेगा तो लेबर पेन कैसे आएगा? इसलिए दोस्तों, तनाव से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके बच्चे के हेल्थ को ख़राब करता है, आपके हेल्थ को ख़राब करता है। और कई बार बच्चे हेड डाउन भी नहीं करते हैं, कई बार तो आपको लेबर पेन भी नहीं आता है, तो फिर इसलिए तनाव आपके लिए ठीक नहीं है। और इसके बाद जो नेक्स्ट कारण होता है वो होता है ज़्यादा वज़न होना। अगर मान लीजिए कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है ना, ज़रूरत से ज़्यादा है, आपका वेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, आप ओवरवेट के हो, तो ऐसे कंडीशन में भी कई बार लेबर पेन नहीं आता है या फिर बहुत लेट आता है। तो क्या करना है? संतुलित खाना खाना है, पौष्टिक खाना खाना है, अच्छा सा डाइट बनाना है जिससे कि आपका वज़न ज़्यादा ना बढ़े। और आपको तला भुना मसालेदार खाना, ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा चाय कॉफ़ी, अनहेल्दी चीज़ों से दूर रहना है, और जो भी हेल्दी चीज़ें उनको खाना है ताकि वज़न कंट्रोल में रहे। बाकी इस बारे में आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकती हैं। इसके अलावा वज़न कम होना, अगर मान लीजिए कि आपका वज़न कम है या फिर आपके बच्चे का वज़न कम है ना, तो ऐसे कंडीशन में भी कई बार लेबर पेन नहीं आता है या फिर देरी से आता है। तो वज़न कम है तो कुछ ऐसा खाओ पियो जिससे कि वज़न बढ़े। अनहेल्दी चीज़ें नहीं खानी है कि पिज्ज़ा बर्गर खाना स्टार्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा मीठा खाना स्टार्ट कर दिया कि वज़न बढ़ जाए, ऐसी गलती नहीं करनी है। हेल्दी तरीके से आपको वज़न बढ़ाना है। इस बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप अपने डॉक्टर से भी इस बारे में बात कर सकती हैं और अपने और अपने बच्चे का वज़न बढ़ा सकते हो, ठीक है, ताकि आपको समय पर लेबर पेन आए। उसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट कारण है वो है आपके बच्चे का ब्रिज पोजीशन में होना। मतलब कि अगर आपका बच्चा उल्टा है, मतलब कि सर ऊपर की तरफ है, पैर नीचे की तरफ है, तो ऐसे कंडीशन में भी कई बार लेबर पेन नहीं आता है। या फिर आपका बच्चा ऐसा है, तिरछा है, तो ऐसे कंडीशन में भी लेबर पेन नहीं आता है, तो डॉक्टर के संपर्क में रहिए। और अगर आपका बच्चा उल्टा है या फिर तिरछा है तो जैसे आपके डॉक्टर कहते हैं वैसे ही करें। इसके अलावा दोस्तों, एक कारण होता है बीपी। अगर आपका बीपी ज़्यादा हाई रहता है या फिर ज़्यादा लो रहता है तो ऐसे कंडीशन में भी कई बार लेबर पेन नहीं आता है, तो अपने बीपी को कंट्रोल में रखिए। और अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के संपर्क में रहिए, क्योंकि वही आपके बीपी को कंट्रोल में कर सकते हैं, आप या मैं नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही मुख्य कारण होता है पानी की थैली में पानी की कमी होना। अगर आपके पानी की थैली में पानी की कमी है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि शायद आपको लेबर पेन ना आए। और इसी वजह से ही आज के समय में बहुत सारी महिलाओं का सीजरियन डिलीवरी हो रहा है। मैं ऐसी बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ
जिनके की पानी की थैली में पानी की कमी बताई गई और उनका सिजेरियन हुआ। इसलिए डॉक्टर के संपर्क में रहिए, आप बहुत ज़्यादा पानी पियो और हो सके तो प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी अल्ट्रासाउंड होते हैं ना, मतलब कि 3 बार तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना ही चाहिए, पहला फर्स्ट ट्रेमेस्टर में, दूसरा सेकेंड ट्रेमेस्टर में और तीसरा थर्ड ट्रेमेस्टर में, ताकि आपको वाटर लेवल का पता चल सके, गर्भनाल का पता चल सके, बच्चे की स्थिति के बारे में पता चल सके, बच्चे का वजन और आपका बच्चा किस स्थिति में है, ब्रिज तो नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, इसलिए अल्ट्रासाउंड करवाइए। इसके अलावा दोस्तों एक कारण होता है जो कि बहुत सारी महिलाओं के साथ देखने में आया है, वो ये कि महिलाओं को अपने पीरियड का डेट ध्यान नहीं रहता है, आगे पीछे हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि वो प्रेग्नेंट कब हुई हैं। मतलब कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि मैं 2 सप्ताह पहले प्रेग्नेंट हुई हूँ, लेकिन आप 2 सप्ताह के बाद हुई हो, तो ऐसे में फ़र्क पड़ जाता है ना। तो कई बार पीरियड का डेट ठीक से मालूम ना होने की वजह से भी आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे लेवर पेन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लेवर पेन आएगा, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे देरी से पैदा होते हैं, अपने अपने तरीके से सब पैदा होते हैं, तो डॉक्टर के संपर्क में ही रहना है। और अगर कोई कमी है, कोई दिक्कत है, डॉक्टर मना कर रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, तो नहीं हो पाएगी। बाकी आपको लगता है कि आपका डॉक्टर आपसे झूठ बोल रहा है, वो सिजेरियन करना चाहता है, तो आप किसी और डॉक्टर से दिखा लीजिए और संतुष्ट हो जाइए, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ घरेलू उपाय बता देती हूँ, और ये तरीका आपको प्रेगनेंसी के 39वें सप्ताह के बाद आजमाना है, उससे पहले नहीं आजमाना, क्योंकि 41 वीक तक लेवर पेन आते हैं। तो आपको करना क्या है, आप अनानास खा सकते हैं, क्योंकि अनानास में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसे कि ब्रोलिनिन बोला जाता है, उस वजह से कई बार महिलाओं को लेवर पेन आ जाता है, संकुचन आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कच्चा पपीता खा सकते हैं, इससे भी लेवर पेन आ जाता है। और बहुत सारी महिलाएँ अरंडी का तेल पीती हैं, तो उससे भी लेवर पेन आ जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हो ना, जिसमें कि अदरक हो, लहसुन हो, तो इससे भी जो है लीवर पेन आ जाता है, क्योंकि लहसुन क्या करता है कि आपका जो मल होता है ना, पोटी, उसको पतला कर देता है, और जब मल पतला हो जाता है तो इससे लीवर पेन आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि अगर महिला अपने निप्पल को सहलाती हैं तो इससे भी संकुचन आ जाता है, मतलब कि लीवर पेन आ जाता है। और अगर आप ध्यान रखते हुए रिलेशन बनाते हो, सेक्स करते हो, तो इससे भी कई बार लीवर पेन आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने पीने के लिए, तुलसी के पत्ते, विनेगर वगैरह, जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं, अजवाइन के लड्डू होते हैं, इन चीज़ों से भी कई बार माना जाता है कि लीवर पेन आ जाता है, क्योंकि ये गर्म चीज़ें होती हैं और लीवर पेन लाने के लिए आपको गर्म चीज़ें खानी चाहिए। तो ये कर सकते हो कि आप गर्म चीज़ें खाओ, गर्म पानी पियो, जो भी खाओ गर्म गर्म खाओ, लेकिन ध्यान रखो कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हो लिमिट में खाओ, और हो सके तो अपने डॉक्टर से पूछ के खाओ, क्योंकि वो आपको बता देंगे कि आपके लिए कितना खाना ठीक है या फिर खाना ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आप लीवर पेन ला सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।